Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar, main Ziya aur aap dekh rahe hain First Bite TV. मेरठ पहुंचे अखिलेश यादव ने आज मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रोड शो किया। रोड शो के दौरान भारी भीड़ जुटी। इस दौरान अखिलेश यादव ने मेरठ नगर निगम महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान व पार्षदों के समर्थन में प्रचार किया। इससे पूर्व मीडिया से वार्ता करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार बताए मेरठ और अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के तहत क्या काम हुआ है, क्या दोनों शहर स्मार्ट सिटी के मानकों पर खरी उतर रही है। दोनों शहर में मेयर सीटें हैं। इन शहरों में आम लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, नालियों की सफाई, कूड़ा प्रबंधन पर क्या काम भाजपा सरकार ने किया है। अखिलेश ने कहा कि जनता भाजपा के डबल इंजन को उतार फेंकेगी। लग ये रहा है कि भाजपा के दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। जब सीएम असिस्टेंट प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर की बात नहीं कर सकते तो वो तमंचे की ही बात करेंगे। देखिए फर्स्ट बाइट टीवी के कैमरे की नजर में अखिलेश यादव का रोड शो। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से यह कहा। और यूपी में जो बजट 30% सड़क का खर्च कर पाए हो, मेडिकल की सुविधाएं न दे पाए हो, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, एडिशनल ऑफिसर कितने हैं और जो टेक्निकल स्टाफ वो कितना है, तो जब नहीं पता है मुख्यमंत्री को कि असिस्टेंट ऑफिसर कितने होने चाहिए, एडिशनल ऑफिसर कितने होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, टेक्निकल स्टाफ नहीं, तो वो तमंचे की बात करेंगे और क्या बात करेंगे। कितनी सीटें जीत रही है पार्टी? बोला नाली गंदी है, बोला तमंचा। वो कहें हिंडन गंदी है, बोला तमंचा। वो कहेंगे गंगा सफाई नहीं हुई, बीओडी सीओडी डिजॉल्व ऑक्सीजन उसका ज्यादा है, तो बोले तमंचा। भैया 17 नगर निगम है, कितने समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है इस बार। पहलवान पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं। मुझे लगता है कि इस बार मेरठ की जनता समाजवादियों को आशीर्वाद देने जा रही है। पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं, आज कर रहे हैं, लोग समर्थन करें। पहलवान बैठे हैं जंतर मंतर पे। देखिए उन्हें न्याय मिले और ये बीजेपी की जिम्मेदारी उन्हें न्याय दिलाने की। आपकी पार्टी क्या एक्शन ले रही है इस पर? मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है, दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार न्याय मिलेगा और बीजेपी की दोनों सरकारें उन्हें न्याय मिलना चाहिए। भैया मुख्यमंत्री बाराबंकी में कह रहे हैं कि सपा बसपा का कचरा साफ करने वाला चुनाव है। क्या? अरे कचरा फैलाने वाले लोग क्या कचरा हटाएंगे, इसलिए इस बार जनता इन्हीं को हटाने जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।